हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि यूजर कैसे बनाते हैं सैप बी वन में एंड जनरल ऑथराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो यूजर बनाने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आइए। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में सेटअप में जाइए, सेटअप में इन जनरल, जनरल में आप यहाँ देखेंगे तो ये यूजर आपको दिखेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन ओपन होके आएगी। आप इसमें कंट्रोल ए कीजिए, एडिट मोड में आइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोज दैट जो हमारा यूजर है जिसको मैं बना रहा हूँ वो फाइनेंस का है, तो हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर कोड उसको असाइन करेंगे। तो वो कोड डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ FIN001, ये हमारा, और उसका नाम हम डाल देंगे। सपोज दैट इसका कुछ नाम है अशोक वर्मा, तो मैंने उसका नाम अशोक वर्मा यहाँ पे मेंशन कर दिया जो यूजर है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद यहाँ पे है कि डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट उसको कुछ डालना है कि कोई लिस्ट से इम्प्लॉय वगैरह इस तरह का कुछ लिस्ट ऑफ यूजर तो अगर बना रखा है तो उससे हम यहाँ पे सिलेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, इम्प्लॉय है तो इम्प्लॉय लिस्ट में से आप उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर उसका दे रखा आपके पास है आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो इस तरह से आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल आईडी है, फैक्स नंबर है। उसके बाद उसको असाइन कीजिए ब्रांच, जो ब्रांच है, सपोज दैट आपके कंपनी के 10 ब्रांच है और किसी एक ही ब्रांच में काम करें तो उसको एक ब्रांच जो होगा पार्टिकुलर ब्रांच वो हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसे ब्रांच असाइन करेंगे। ब्रांच असाइन करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो यूजर है वो किस डिपार्टमेंट का है। तो ये ऑलरेडी फाइनेंस का है तो फाइनेंस का यहाँ पे आ रहा है। यदि ये जो यूजर होता, यदि अगर प्रोडक्शन का होता तो प्रोडक्शन सेलेक्ट करते, परचेज का होता तो परचेज, अगर सेल्स का होता तो सेल्स, तो जिस डिपार्टमेंट का होगा उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आएंगे हम पासवर्ड पे, तो हम इसको पासवर्ड असाइन करेंगे। तो 4 डिजिट का हम पासवर्ड इसमें डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4। लेकिन आप जब देखेंगे आपके सिस्टम में 8 करेक्टर का बोलेगा, उसमें अपर केस, उसके बाद 1 डिजिट 1 करेक्टर, इस तरह से 8 करेक्टर का होगा। यहाँ मैंने सेटिंग कर रखा है एज ए सुपर यूजर जाके कि मुझे मिनिमम करेक्टर का उसमें चाहिए, तो इसीलिए 4 करेक्टर का मानना है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ये मैंने कर दिया। अब ये रखना है चेंज पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगिन, जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा उसको बोलेगा कि आप पासवर्ड चेंज करो। जैसे कि सपोज दैट आप बैंक का, आपको नेट बैंकिंग मिलता है तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम में ही बोलता है कि आप पासवर्ड चेंज करो। तो ये अगर आपने चेकआउट कर रखा है तो जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा उसको पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा। इग्नोर ब्रांच असाइनमेंट इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसका इनेबल सेटिंग इंटीग्रेशन पैकेज, ये आप उसको चेकआउट कर दीजिए। उसके बाद सर्विसेज पे आइए, सर्विसेज पे देखें परफॉर्म डेटा चेक नहीं। अगर आप इसको करेंगे तो जैसे ही लॉगिन करेगा काफ़ी देर तक वो डेटा को पहले चेक करेगा तभी आपको लॉगिन करने देगा, तो इसको नहीं चेक करना है। ओपन एक्सचेंज रेट टेबल, जब भी आप ये यूजर लॉगिन करेगा, अगर इसको आपने चेकआउट किया तो लॉगिन करते हैं उसको एक्सचेंज रेट टेबल ओपन होकर आएगा कि आज जो अगर यूएस है या यूरो करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को डालो। उसके बाद ये बोल रहा है डिस्प्ले रिकरिंग पोस्टिंग ऑन द एग्जीक्यूशन, अगर रिकरिंग कुछ पोस्टिंग है तो वो जैसे ही ओपन होगा इसको क्लिक करने के बाद वो दिखाएगा। डिस्प्ले रिकरिंग ट्रांजेक्शन ऑन द एग्जीक्यूशन, अगर कोई रिकरिंग ट्रांजेक्शन का आज डेट है तो वो लेके आएगा। सेंड अलर्ट फॉर द एक्टिविटी शेड्यूल फॉर द टूडे, यदि कोई आपने शेड्यूल कर रखा है इसको आप चेकआउट करेंगे तो वो आपका अलर्ट आएगा। उसके बाद डिस्प्ले इनबॉक्स में न्यू मैसेज आए, ये आपको यहाँ पे जो इनबॉक्स में मैसेज अगर आएगा तो वो डिस्प्ले करेगा, तो उसके लिए ये रखना चाहिए। ओपन विंडो फॉर द क्रेडिट वाउचर रेफरेंस डेट, ये अगर आप करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद ये आ रहा है डिस्प्ले वर्क लिस्ट फॉर न्यू। अब यहाँ पे बोल रहा है अपडेट मैसेज कितना देने पे, 5 मिनट पे देखा है। स्क्रीन लॉक टाइम यहाँ पे दे रखा 30 मिनट, 30 मिनट के बाद लॉक टाइम होना चाहिए। आप इसको बढ़ाना घटाना जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ओपन पोस्ट पर क्रेडिट वाउचर विंडो, अगर आपको करना है ऑलवेज रखना है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। सोज लाइसेंस इंफॉर्मेशन एट ए स्टार्टअप, उसके बाद यहाँ पे यूजर नंबर की पैड, अगर आपने इसको चेकआउट किया यूज नंबरिक की पैड पीरियड की एज ए सेपरेट ऑन द डिस्प्ले टैब, इनेबल डॉक्यूमेंट्स ऑपरेशन, इसको अगर आपने चेकआउट किया तो आप जो अभी इंटर से एड कर देते हैं या
उसमें डॉक्यूमेंट्स को वो ऐड नहीं होगा, फिर आपको उस पर जाके ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा तभी होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सब करने के बाद आप आ जाएंगे डिस्प्ले टैब में। डिस्प्ले टैब में आप यहाँ पे कोई स्क्रीन उस पर डालना है, कैसा स्क्रीन दिखना चाहिए, गोल्डन थ्रेड जिस कलर का भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का रखना है, ठीक है। उसके बाद कलर कैसा चाहिए, तो कलर अगर नहीं, अगर आपको डिफॉल्ट रखना तो एज इट इज जैसे उसे रन या फंड साइज वगैरह ये सब करने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये यूजर बन जाएगा, ये यूजर बन गया। अब यूजर बनने के बाद क्या होता है, हमें उसे लाइसेंस देना होता है एंड जनरल ऑथराइजेशन के थ्रू उसको राइट देने पड़ते हैं कि वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है। तो अब उसको जनरल ऑथराइजेशन में चलते हैं और उसको हम असाइन करते हैं कि कौन कौन सा काम वो कर सकता है। तो यहाँ पे आप आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आप आ गए सेटअप में, सेटअप में आने के बाद यहाँ पे जनरल, और इसी में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं इसमें नहीं देखेंगे, ऑथराइजेशन में दिखेंगे आपको इन्वेंटरी फाइनेंस आई थिंक जनरल ऑथराइजेशन। यहाँ पे लिख देते हैं जनरल ऑथराइजेशन। पहले लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन में चलेंगे, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद जो यूजर हमने बनाया है उस यूजर को, ये है आपका फाइनेंस का, अभी ये यूजर आपने बनाया है, इसको एक लाइसेंस, यहाँ पे एक ही लाइसेंस है, अगर लाइसेंस आपको अवेलेबल होगा तो उस लाइसेंस, जैसे यहाँ पे बिजनेस वन प्रोफेशनल यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे अगर पांच लाइसेंस है तो पांच दिखाएंगे, आप ये सिलेक्ट करेंगे। ये अभी बोल रहा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं, इसीलिए आप नहीं सिलेक्ट हो, वहाँ पे अगर आपको लाइसेंस होगा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मतलब इस यूजर को वो लाइसेंस मिल जाएगा। सैप में जो बिजनेस वन है उसमें तीन चार तरह के लाइसेंस होते हैं, सुपर यूजर होता है, उसके बाद आपका लिमिटेड लॉजिस्टिक होता है, लिमिटेड फाइनेंस होता है एंड सीआरएम का होता है। तो अगर इसमें से जितने भी लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस इसको आप असाइन करना चाहते हैं असाइन कर सकते हैं। सब सुपर यूजर कोई भी स्क्रीन ओपन कर सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है, लेकिन जो लिमिटेड लॉजिस्टिक होता है उसका पर्टिकुलर वर्क होते हैं साइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्क काम कर सकता है, वो फाइनेंशियल मॉड्यूल में नहीं जा सकता है, सीआरएम का कुछ काम कर नहीं कर सकता है, तो वो सबके अलग अलग डिफाइंड है। अगर आपको उसको देखना है तो आपको एक्सेल शीट आपको मिल जाएंगे जो कि किस लाइसेंस के में आप कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो यदि आप सर्च कर लिया गूगल में नहीं मिला तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर यूजर को कौन सा हमें लाइसेंस असाइन करना चाहिए, किस नेचर का वो काम करता है और उसको उस तरह का आप लाइसेंस असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लाइसेंस असाइनमेंट होता है, आप इस पर जब आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए मेरे पास कितने लाइसेंस हैं, ये है हमारे पास टोटल नंबर्स 1 है और इंडियन लोकल लाइसेंस हमने ले रखा है, तो ये हमारा दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो लाइसेंस है आपके पास वो किसको कितना लाइसेंस असाइन कर रखा है, तो हमारे पास एक लाइसेंस है तो मैनेजर को मैंने ये 1 असाइन कर रखा, टोटल असाइन 1, टोटल फ्री कितना है 0 है, इसीलिए हम किसी को असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ओनली लाइसेंस है, ओनली लाइसेंस में हम या तो मैं यूज करूंगा या किसी को दूंगा, ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम लाइसेंस असाइन करते हैं। अब चलते हैं हम जनरल ऑथराइजेशन में, तो जनरल ऑथराइजेशन की बात करते हैं, तो ये जनरल ऑथराइजेशन आप देखिए कहाँ पे आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम है ऑथराइजेशन के अंदर में आता है, तो आप आ जाइए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे सिस्टम, उसके बाद ये ऑथराइजेशन, अब ये आगे आपका जनरल ऑथराइजेशन का टैब है। इसमें आने के बाद जो पार्टिकुलर आपका यूजर है जिसको आपको ऑथराइजेशन देना है, जैसे मैंने अभी फाइनेंस बनाया था, ये देखिए अभी से ओनली आपको एडमिनिस्ट्रेशन का वेरियस ऑथराइजेशन दे रखा है, इस ऑथराइजेशन में वेरियस ऑथराइजेशन में क्या क्या ऑथराइजेशन इसको है वो देखेंगे, इसमें सर्टेन कुछ ऑथराइजेशन होंगे और जो इसमें ये देख भी सकता है और काम, लेकिन ये काम करने का कोई भी किसी में फुल ऑथराइजेशन नहीं, तो ये अभी कर नहीं सकता है कुछ। तो अब सपोज दैट इस यूजर को हमने फाइनेंस में बनाया था, तो इसको फाइनेंस के हमें फुल ऑथराइजेशन देने हैं फाइनेंशियल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे और इसको फुल ऑथराइजेशन दे देंगे,
ठीक है। जनरल टैब जो होता है जनरली सबको फुल ऑथोराइजेशन दिया जाता है, नहीं तो बहुत सारी चीजें होती है स्क्रीन पे ओपन नहीं कर सकता। कस्टमाइज्ड टूल जो आपके यूडीएफ वगैरह या कुछ कस्टमाइजेशन यूडीओ आपका बना होगा, कोई स्क्रीन बना होगा, उसको अगर राइट देना है तो उसको ये सभी को ऑलमोस्ट देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स में सारे चीज राइट नहीं दिए जाते हैं, इसमें से जो भी ये सेटअप की चीजें हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही इसमें राइट दिए जाते हैं, फाइनेंस वाले की इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप सेल्स में देखेंगे तो फाइनेंस वाले को सेल्स में इनवॉइस, अगर आप एआर इनवॉइस की बात करेंगे तो उसे एआर इनवॉइस का राइट होना चाहिए, तो हम उसको एआर इनवॉइस का राइट दे देंगे, ठीक है। एआर क्रेडिट मेमो वो बनाता है तो उसको भी हम ये राइट दे देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जिस भी यूजर को जो राइट देना है, जो आपकी कंपनी की जो डिसीजन होगा उस हिसाब से आप उसको राइट दे देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे तो जो जो राइट यहाँ पे जनरल ऑथराइजेशन में आपने उसको दिया है उस स्क्रीन को ओपन कर सकता है, उस स्क्रीन पे वो काम कर सकता है। जिसको उसके ऑथराइजेशन नहीं होंगे, स्क्रीन तो ओपन होंगे बट सॉलिड फॉर्म में ओपन होंगे, वो उस स्क्रीन पे कुछ काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग ऑथराइजेशन देते हैं। सपोज दैट कि इसके रेट लिस्ट, तो रेट इसमें डाल दीजिए। रेट जैसे ही आपने देखा तो लिस्ट जितने भी टैब होंगे आप नेक्स्ट करते जाइए, सारे टैब आते जाएंगे। जिस टैब का आपको ऑथराइजेशन देना है आप इसमें दे दीजिए उस यूजर को ऑथराइजेशन। आप सपोज दैट प्राइस, मटेरियल की प्राइस क्या है, प्राइस का ऑथराइजेशन देना है तो प्राइस पे आप गए, प्राइस टैब पे यहाँ पे आए उस प्राइस टैब, जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते जाएंगे सारे प्राइस टैब आते जाएंगे। जिसकी भी आपको राइट देने हैं आप उसको राइट दे दीजिए और ये चीजें आपका उसके बाद उसको अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जनरल ऑथराइजेशन करते हैं। तो इस सेशन में मैंने ये बताया कि कैसे आप यूजर बनाएंगे, कैसे उसको लाइसेंस असाइन करेंगे, एज वेल एज जनरल ऑथराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। इसमें अगर कोई भी इशू हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं फिर उसका रिप्लाई नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो सेशन 19 का, ये सेशन 18 है तो 19 का वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो। तो ओके, थैंक यू।